टेस्ट करके देखते हैं। आप चाहें तो इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसको ठंडा करके भी। यम्मी। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो मेरी रेसिपी वो है कैरेमल टॉफी केक, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस केक को बनाने के लिए। तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा जाता है। सबसे पहले मैंने लिया है 1 egg, हाफ कप मैंने मैदा लिया है, बेकिंग पाउडर है इसकी तकरीबन 1/4 टीस्पून जाएगा, और कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के जाएंगे, और हाफ से भी हाफ कप ऑयल है, और ये मैंने मैदा जिसमें मैंने मेयर किया है उसी कप में डाला है, इसलिए ये साइड पर मैदा लगा हुआ है। और साथ ही मैंने यहाँ पे शुगर ली है हाफ से हाफ कप, क्योंकि इसमें कैरेमल में भी शुगर यूज़ होगी, इसलिए हम केक के स्पंज में शुगर की क्वांटिटी नॉर्मल रखेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 to 2 सिप मिल्क ऐड किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने एक प्यारा सा प्लास्टिक का बाउल ले लिया है और मैं माइक्रोवेव में ये केक बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे प्लास्टिक या पाइरेक्स का कोई बाउल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का बाउल ले लिया है। पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। ये है 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, इसको हम मैदे में अच्छे से शामिल करके तो मिक्स कर देंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। अब ये मैदा और बेकिंग पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पे अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। इसमें हमने ले लिया है एग को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इस केक को मैं लेज़ी केक का भी नाम देना पसंद करूंगी, क्योंकि लेज़ी केक का मतलब है कि बस आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने बगैर किसी बीटर, बगैर किसी मशीन के, आपने बस फटाफट वो चीज़ें ऐड करके तो आपने एक मज़ेदार सा केक बना देना है, इसलिए इसका नाम है लेज़ी केक। अब देखिए यहाँ पर मैंने चीनी को भी ग्राइंड नहीं किया, डायरेक्ट चीनी ही ऐड की है। बस जिस तरह की भी हालत में हो आपको, बस फटाफट कुछ मीठा खाने का दिल करे, क्रेविंग करे, तो आप ये वाला केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आई होप ये बहुत बहुत अमेजिंग बन के आएगा। तो चलें अब यहाँ पर मैंने चीनी को भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, हम तीनों चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 sip मैंने मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो बीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेज़ी केक में आप इतनी तकलीफ़ नहीं उठाएंगे कि आप मशीन निकालें, उसको वॉश करें, देन मशीन यूज़ करें, तो बस आप फटाफट स्पून से भी बना सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आएगा अगर आप इसको बगैर किसी बीटर के भी बनाएंगे। पर हम 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के भी ऐड कर देंगे बस। अभी हमारा मिक्सर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब हम इसको मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं, मज़ीद डिज़र्ट्स और मज़ीद मज़े मज़े के खाने और केक्स की रेसिपी देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। किसी बीटर बगैर किसी मशीन के ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है हमारे केक का। अब ये इस प्यारे से बाउल के अंदर हम ये सारा बैटर शिफ्ट कर देंगे, और मैंने इस बाउल के ऊपर सारा ऑयल लगा लिया है, सारा बैटर मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसको डैप डैप कर लेंगे, ताकि किसी भी तरह के कोई बबल्स ना हो जाए। चलें अब हम इसको माइक्रोवेव में रखते हैं, साथ ही मैं आपको इसका टेम्परेचर टाइम भी बता देती हूँ। ओवन में जा चुका है, ये सिंपल माइक्रोवेव ओवन है, तो अब हम इसका टाइम क्या लगाएंगे, तकरीबन हम इसको 1 minute 2 minute और हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये लेज़ी केक इसलिए है क्योंकि अगर आप इतना सब्र ना करना चाहें और जल्द से जल्द इसको खाना चाहें, तो आप माइक्रोवेव में इस रेसिपी को बनाएं, ये बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। तो चलें 2 minutes का वेट करते हैं। केक हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर हम टूथपिक डाल के देखेंगे, और टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, तो हमारा इसका मतलब है केक रेडी हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखें। चलिए हम इसको रख देते हैं। अभी हम कैरामल सॉस रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ 3 tablespoon शुगर ली है, क्योंकि केक का साइज़ छोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ 3 tablespoon शुगर ली है। आपका अगर केक का साइज़ बड़ा है तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं शुगर ज़्यादा, तो यहाँ मैंने कोई वाटर कोई कुछ नहीं डाला, बस इस शुगर का ही खुदी से कैरामल बनने देना है नॉर्मल फ्लेम पर। तकरीबन 1 minute के अंदर अंदर ये इस तरह से कैरामल बनना स्टार्ट हो गया है, बस आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, ताकि किसी एक जगह पर बैठ ना जाए। तो ये जब इसका प्यारा सा कैरामल का कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो हम इसके अंदर फिर बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमारा कैरामल बन गया हुआ है, अब हमने क्या करना है, ये अब जो स्टेप में करने लगे इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए। इसके अंदर मैं 1 glass मैंने ये पानी का लिया है, तकरीबन 1 cup ही कह लें, और इसका बहुत एहतियात से ऐड करना है। और ये आपको वक्ती तौर पे लगेगी कि सारी टॉफ़ी जो है ये पैन के साथ चिपक गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे ही पानी गर्म होना शुरू हो गया सारी टॉफ़ी अलहदा होकर एक सॉस बन जाएगी कैरामल की।
जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हुआ है वैसे वैसे जितना भी कैरामल चिपक गया था पैन के साथ वो सेपरेट होकर इस पानी में मिक्स हो गया है। तो अब ये हमारी कैरामल सॉस यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस एक लास्ट स्टेप रह गया है। उसके लिए हमने लेनी है कोई सी भी फ्रेश क्रीम, ये मेरे पास फ्रेश क्रीम पड़ी थी तकरीबन हाफ कप है, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अपनी फ्रेश क्रीम भी ऐड करनी है बीच में, इससे थोड़ी थोड़ी सॉस हमारी थिक हो जाएगी और बहुत मज़े की क्रीमी सी हो जाएगी। अब ये क्रीम ऐड हो चुकी है, अब हम इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे, 3 to 4 ड्रॉप्स कर लें वनीला एसेंस के, और साथ ही अब हम इसको हल्का सा थिक करेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हल्का सा थिक करेंगे और फिर हम इसको गर्मा गर्म ही केक के अंदर डालेंगे। इससे ये क्या होगा कि केक के अंदर अच्छे से ये सॉस जज़ब हो जाएगी और ठंडा होने पर केक बहुत ज़्यादा जूसी सॉफ्ट और मज़े का बन जाएगा। यहाँ पर जो है सॉस वो थिक होने के प्रोसेस में है, हम अपने आप चाहें तो आप केक किसी प्लेट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं बाउल में ही रहने दूंगी। इसके अंदर बस मैंने होल ऐसे हमने बना देने हैं टूथपिक से, ताकि हमारी जो भी सॉस है वो अच्छे से केक के अंदर जज़ब हो जाए। हमें सॉस की बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि ये केक के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए अब हम अपनी गर्मा गर्म सॉस, ये मैं अभी जस्ट पक ही रही है और पकते पकते ही मैं इसको केक के पास ले जाऊँगी। मैं अपनी सॉस बहुत एहतियात से केक के ऊपर पोर कर लेनी है सारी। आहिस्ता केक सारे सॉस का एब्जॉर्ब कर लेगी, तब तक हम ये जो थोड़ी सी और सॉस बची है उसको मज़ीद थिक कर लेंगे ताकि सॉस जो है टॉप पे जा सके। केक के टॉप पर थिक सी हमें सॉस चाहिए, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर क्रीम मज़ीद ऐड कर दी है सेम उसी सॉस के अंदर, इसकी थिक बन जाएगी तो एक लेयर आ जाएगी इसके टॉप पर। मज़ेदार सी टॉफी सॉस रेडी हो गई है, ये देखें इस तरह इतनी ही थिक हमें चाहिए। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब हम इसके ऊपर ये टॉफी सॉस डालेंगे और हमने सारी अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है। आप देख रहे हैं इसके अंदर किस तरह से कैरामल और कॉफ़ी का मिक्स सा कलर आ रहा है, साथ साथ हम इसको स्प्रेड भी कर देंगे। आप एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट मज़ेदार फटाफट सा और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक केक है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, दोबारा बनाने की फरमाइश ज़रूर करेगा। टेस्ट करके देखते हैं, आप चाहें तो इसको गर्म गर्म भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसको ठंडा करके भी। यम्मी, बहुत सॉफ्ट, बहुत यम और बहुत ही ज़्यादा जूसी है, आपको आइडिया हो गया होगा। आप ज़रूर मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करें और मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ कि लोग बार बार आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ये देखें एंड तक जूसी है।